हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो इसका हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो कहाँ तक किए थे, 29 तक। तो आज हम 30 से डिस्कस करते हैं कि इसके आगे के क्वेश्चन किस किस तरह के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है, ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन में दो पार्ट के बने हैं और आपको एक पार्ट अटेम्प्ट करना है। कोई भी पार्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए, जो इसका पहला पार्ट है उसमें क्या गिवन है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है और उनके पैरामीटर्स आपको गिवन है। पहले का जो पैरामीटर है, पहले ट्रायंगल का पैरामीटर कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर, और सेकेंड का क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर। और जो पहले ट्रायंगल की एक साइड आपको गिवन है जिसकी लेंथ है 19 सेंटीमीटर, तो आपको दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सपोज करते हैं ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये दो ट्रायंगल है और दोनों आपस में सिमिलर है, तो इनके जो पेरीमीटर का रेशियो आता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इनके जो पेरीमीटर का रेशियो आता है वो किसके इक्वल आता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। तो ए बी अपॉन डी ये इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के, और ये ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर का रेशियो इनकी साइड के रेशियो के बराबर आता है। और इसके अलावा इनके जो मीडियन हो गए, मीडियन के रेशियो के बराबर आता है। सपोज करते हैं इस ट्रायंगल का जो ए से मीडियन है वो है एम, और इस ट्रायंगल का जो बी से मीडियन होगा वो है डी एन, तो ये ए एन अपॉन ए एम अपॉन डी एन के इक्वल भी होगा। ए एम है यहाँ पे है ए से मीडियन और डी एन है डी से मीडियन दूसरे ट्रायंगल में, तो मीडियन के रेशियो के बराबर आता है वो। एंगल बाइसेक्टर के बराबर भी होता है और एल्टीट्यूड, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर, मीडियन के रेशियो के बराबर, एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर और एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने लेट किया कि दो ट्रायंगल आपके पास एबीसी और डीएफ, और ये दोनों सिमिलर है, और जो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर है वो है 25 सेंटीमीटर और जो डीएफ का पेरीमीटर है वो है 15 सेंटीमीटर। और जो ये ट्रायंगल है इसकी एक साइड आपको गिवन है, तो मैंने लेट की कि जो साइड है ए बी वो आपकी 9 सेंटीमीटर है। अब आपको ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, तो अभी अभी मैंने आपको बताया अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो इनके पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर आता है, इनकी साइड के रेशियो के बराबर, मतलब ए बी अपॉन डी ई के बराबर आएगा। अब देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है आपका 25, और पेरीमीटर ऑफ डी एफ क्या है 15, ए बी आपको गिवन है 9 और डी ए आपको फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आती है 5.4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो दूसरे ट्रायंगल की आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालनी थी वो क्या आई, 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जो डी पॉइंट है वो साइड बी सी पे लाई करता है, और वो किस तरह से लाई करता है कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, तो आपको ये प्रूव करना है 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। देखिए, अगर ये आपका ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैं ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ लाइन बी सी पे, या आप बोल सकते हैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ ए पॉइंट से बी सी पे, और सपोज करिए ये पॉइंट है आपका डी ए डी, तो जो ये परपेंडिकुलर है ए डी एल्टीट्यूड है, ये बी सी साइड को 1:1 में डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ से क्या निकल कर आता है आपके, बी डी इज इक्वल टू सी डी। अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर सिंपल ये बोल सकते हैं अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसकी ये ए बी
और एसी साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, और हम ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी सी पे, और ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन बी सी पे, तो ये क्या इंप्लाई करता है, बी डी इज इक्वल टू सी डी। मतलब अगर ए बी इजिकल टू ए सी है और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो यहां से निकल के आता है बी डी इजिकल टू सी डी। और देखिए कैसे होता है, हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। तो देखिए ए बी इजिकल टू ए सी, ए बी इजिकल टू ए सी और ए डी इजिकल टू ए डी, ये आपका कॉमन, ये आपका कॉमन है, ये गिवन है, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो यहां से ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, कौन सी प्रॉपर्टी से, आर एच एस। ठीक है, देखिए ये राइट ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्लियर है, तो इस ये प्रूव करने के लिए हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट यूज होना है। देखिए कैसे, देखिए ये आपका ट्रायंगल है, एक ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और डी यहां पे पॉइंट है, किस तरह से कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। ठीक है, तो यहां पे मैंने पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, या आप एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लेट करते हैं, जो ये ट्रायंगल है इसकी साइड है एक्स, तो ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू बी सी क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर होती है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो इसका मतलब ये एक्स हो जाएगी। अब बी डी क्या है, बी डी है आपका 1/3 ऑफ बी सी, तो बी डी क्या आ जाएगा यहां से, एक्स बाई थ्री। ठीक है, बी डी क्या है आपका, एक्स बाई थ्री। अब ए क्या है, एल्टीट्यूड है बीसी पे, तो इसका मतलब बी ई इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और ये दोनों बीसी के हाफ हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है और बी प्लस सी क्या है बीसी, तो ये दोनों बीसी के हाफ हो जाएंगे। अब देखिए, तो यहां से आप डी निकाल सकते हो, तो डी क्या आ जाएगा यहां से, बी ई माइनस बी डी, तो यह आता है एक्स बाई टू माइनस x बाई थ्री, तो ये आता है आपका x बाई सिक्स। क्लियर है, तो देखिए जैसे मैंने ये यहां पे निकाल के बताया है, तो आपको ये समझ आया, ये साइड आपको कैसे निकालनी है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल से ए बी ई, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, और यहां पे ए बी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस और ये परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है, और जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आता है, ए स्क्वायर आया आपके पास ये। क्लियर है, फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ए डी दूसरी बार आपको जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है वो करनी है इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर। क्लियर है, और फिर इस इक्वेशन में आपको तीनों की वैल्यू आपको गिवन है, ए डी क्या है आपका, ए डी आपको फाइंड करना है यहां पर, ए आपका क्या है, देखिए ए है आपका 3x² प्लस 4, और डी क्या है आपका, डी ही है आपका एक्स बाई सिक्स, तो ये तीनों वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है, तो यहां से एडी निकल के आता है, एडी स्क्वायर निकल के आता है ये, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा सीधा, 9AD² इज इक्वल टू 7AB². तो क्लियर है कैसे प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीडियन से स्टैट्स,
और स्ट्रेट्स में किसके ऊपर है, मीडियन से। आपको एक डाटा गिवन है और यहां पे आपको इस डाटा का मीडियन बताया, मीडियन कितना है इस डाटा का 16। तो मीडियन आपको गिवन है और यहां पे दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, ए और बी, ए और बी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, तो आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसीज का सम है वो क्या है, 70, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज का सम है 70। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या हमारी 12 ए, फिर 12 15 बी, 6 6 और 4, तो इन सबका सम क्या है 70। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनको ऐड करके किसके इक्वल रखना है, 70 के इक्वल। तो यहां से आपको ए और बी के बीच में रिलेशन मिलता है क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 15। देखिए इसके बाद आपको मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है यहां पे, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एच इंटू एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। देखिए एल होता है यहां पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एच होता है विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, एच क्या होता है यहां पे विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। एन होता है यहां पे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टिल प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है, सी एफ क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टिल प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और एफ होता है यहां पे आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो देखिए आपका मीडियन क्या गिवन है 16, तो 16 कहां पे लाई करता है, कौन से क्लास में लाई करता है, तो 16 लाई करता है आपका 15 टू 20 इंटरवल में, क्लियर है। तो इसका मतलब ये आपकी क्या हुई मीडियन क्लास, तो यहां पे मीडियन क्लास क्या हुई आपकी, तो मीडियन क्लास है यहां पे आपकी 15 टू 20। अब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 15, तो इसका मतलब एल क्या है आपका 15, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आता है आपका 5। तो एच क्या है आपका, एच क्या होता है विड्थ ऑफ क्लास मीडियन क्लास इंटरवल, तो एच क्या है आपका 5। एफ होता है आपका, एफ क्या होता है आपका यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास ये है आपकी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो एफ इसलिए आपका क्या है 15। एन क्या होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज क्या है 70, तो इसलिए एन क्या है आपका 70। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है सी एफ, सी एफ होता है यहां था यहां पे जो आपकी मीडियन मीडियन क्लास है, जो उससे पहले की क्लास इंटरवल है वहां तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब आपको यहां तक ये सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद क्या आता है 12 प्लस ए प्लस 12, तो ये आएगा आपका 24 प्लस ए, तो इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 24 प्लस ए, और आपके पास मीडियन क्या है 16, मतलब एम ई क्या है आपके पास 16, क्लियर है। तो देखिए अब ये सारी वैल्यूज हमें मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट करनी है ऐसे, ठीक है, आपके पास मीडियन का ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है, क्लियर है, और फिर इजी कैलकुलेशन है। तो यहां से एक ही वैल्यू निकल के क्या आती है आपकी 8, ठीक है, यहां से आपकी वैल्यू निकल के आती है 8। तो एक ही वैल्यू आपको मिल गई और बी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, जो ए की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में पुट करके हमें बी की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करने के बाद 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से। देखिए ये आपकी एक कैंडल है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, यहां पे आपके दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, देखिए सपोज करो कैंडल आपकी यहां पे है और दो पॉइंट है ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो कैंडल से जो ये वाला पॉइंट है इसकी डिस्टेंस क्या गिवन है ए, और जो ये वाला पॉइंट है इसकी डिस्टेंस है आपको बी गिवन, ठीक है। तो आपको और जो ये कैंडल है इन पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, ये बनता है आपका 60 और ये बनता है आपका 30, तो क्लियर है।
एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो आपको इस कैंडल की हाइट बतानी है क्या होगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए सपोज करते हैं ए बी आपकी कैंडल है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे सी और डी पॉइंट है। ये किस तरह से पॉइंट है कि ये डिस्टेंस तो है आपकी ए और ये डिस्टेंस है आपकी बी, और जो इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं वो क्या है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, सॉरी यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका 30 डिग्री और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको इस कैंडल की हाइट बतानी है ए और बी की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये वाला राइट एंगल लेंगे बी ए सी। इस बी ए सी राइट ट्रायंगल में बी ए अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, टेन 60। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि कैंडल की हाइट है जो वो है एच, तो यहां से आपका क्या निकल के आता है, एच अपॉन बी इजिकल टू टेन 60 आपका क्या होता है रूट थ्री, तो यहां से एच निकल के आता है रूट थ्री बी। ठीक है, एच निकल के क्या है यहां से रूट थ्री बी। और अब लेते हैं ये वाला ट्रायंगल बी ए डी, तो बी ए डी राइट ट्रायंगल में क्या है आपका ए बी अपॉन ए डी इजिकल टू टेन 30। ए बी आपका क्या है एच और ए डी क्या है आपका ए, और टेन 30 होता है 1/√3, तो एच की वैल्यू यहां से क्या आती है ए अपॉन अंडर रूट थ्री। तो देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो एच आया ये अंडर रूट थ्री बी और एच की वैल्यू क्या आई ए अपॉन रूट थ्री। इसको लेट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको लेट करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो जब फर्स्ट इक्वेशन के हम सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एच स्क्वायर इजिकल टू बी इंटू अंडर रूट थ्री इंटू ए अपॉन अंडर रूट थ्री। तो यहां से एच निकल के आता है ए बी, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आई ए बी, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से अंडर रूट ए बी। तो इस कैंडल की हाइट ए और बी की फॉर्म में क्या है, अंडर रूट ए बी। और देखिए स्टेप वाइज स्टेप आपको कैसे करना है, ये इस तरह से। सबसे पहले तो आपको ये लिख के बताना होगा कि ए बी हमारे क्या है, ए डी क्या है और ए सी क्या है। जैसे मैंने देखो लेट किया यहां पे कि ए बी आपकी एक कैंडल है और सी एंड डी टू कॉइंस है, किस तरह से कि ए सी जो डिस्टेंस है वो है आपकी ए और ए डी जो डिस्टेंस है, तो ये मैंने किस तरह से लेट किया है कि जो ये ए सी डिस्टेंस है वो है ए और ए डी जो डिस्टेंस है वो है आपकी बी। तो फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपके 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपको फिर जैसे मैंने बताया अभी ऐसे करना है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका किस चैप्टर से है, स्टैटिस्टिक्स, और ये किसके ऊपर है, मोड के ऊपर। आपको एक डाटा गिवन है और आपको इसका मोड फाइंड कर, मोड गिवन है और जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एक्स, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इसमें देखिए ये एक्स के क्या होता है, एक्स के होते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। जो भी आपकी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट होती है एक्स के। एच होता है आपका, एच क्या होता है आपका, देखिए मैं यहां पे लिख के बता दूं, एक्स के होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एच होता है आपका विड्थ ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल, ओके। एफ के होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एफ के, एफ के माइनस वन होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास।
और एफ के प्लस वन होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास। तो देखिए आपका मोड क्या गिवन है 67, मोड क्या गिवन है 67, तो 67 कौन से क्लास में लाई करता है 60 to 70 के बीच में, तो इसका मतलब ये है आपकी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है आपकी 60 to 70। अब देखिए इसकी लोअर लिमिट क्या है 60, तो इसलिए एक्स के हमारा क्या है 60। एफ के क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की 15, तो एफ के क्या हुआ 15। ऐसी एफ के माइनस वन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो इससे पहली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो एफ के माइनस वन क्या हो जाएगा एक्स। ऐसी एफ के प्लस वन मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, इससे जो अगले वाली क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12। और एच क्या होता है आपका विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की विड्थ क्या है 70 - 60, तो ये है आपकी 10। अब आपके पास फॉर्मूला है और सारी वैल्यू है, आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखिए x की वैल्यू क्या निकल के आती है 8, तो इसका मतलब जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी x, उसकी वैल्यू क्या है 8। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। देखिए इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है, तो आप कोई भी पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं। देखिए दो पाम ट्रीज है इक्वल हाइट्स के, और एक रिवर है वो उसके अपोजिट साइड पे है। तो सपोज करते हैं जो रिवर की विड्थ है, ये आपकी रिवर है जिसकी विड्थ है ये, तो इसके अपोजिट साइड पे दो पाम ट्रीज है, एक ये और एक ये इक्वल हाइट्स के है। ठीक है, और ये रिवर है इसकी विड्थ क्या है 80 मीटर। तो एक रिवर के बीच में पॉइंट है, मतलब इसके मिडिल में कहीं, सपोज करते हैं यहां पे ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ओ, तो इस पॉइंट से दोनों ट्री पे कितने एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या बनते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो देखिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनता है आपका 60 डिग्री और ये बनता है 30 डिग्री। तो आपको इन दोनों ट्रीज की हाइट बतानी है और ये बताना है कि ये पॉइंट ओ इन ट्रीज से कितने डिस्टेंस पे है। तो फिगर आपको समझ आ गई होगी, फिगर कैसे बनानी है। अब आप लेट करिए कि दोनों जो ट्रीज है उनकी हाइट है ए बी और सी डी, और ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो लेट करिए यहां पे ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच, और लेट करिए जो ए ओ है वो है आपका एक्स, तो यहां से सी ओ क्या हो जाएगा 80 - x। क्लियर है, तो पहले तो आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए ए ओ बी, ठीक है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां से ए बी अपॉन ए ओ क्या हो जाएगा 10 60। अब ए बी आपको पता है एच, AO आपने x लेट किया, और 10 60 क्या होता है √3, तो h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी √3x। ऐसे ही आपको फिर ये दूसरा ट्रायंगल लेना है COD, यहां से CD अपॉन OC क्या होगा 10 30, CD है आपका h, OC है आपका 80 - x, और 10 30 आपका क्या होता है 1/√3। तो h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 80 - x/√3। तो देखिए h की वैल्यू एक बार ये आई एक बार ये आई, आप दोनों को आपस में इक्वल रखिए, ऐसे। ठीक है, तो यहां से आप आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
एक्स की वैल्यू निकल के आती है आपकी 20, तो एक्स की वैल्यू आई 20, तो इसका मतलब अब आपके पास ये 20 है और ये है आपके पास 60। तो आप किसी भी, आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो आप किसी भी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करिए तो आपको एच की वैल्यू भी मिल जाएगी। और देखिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये आपको इस तरह से, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लेट किया कि लेट ए बी एंड सी डी बी टू ट्रीज विद बी एंड डी एज देयर रेस्पेक्टिव टॉप्स, मतलब जो ये ट्री के टॉप्स है वो है बी और डी, जो ट्री का हाइएस्ट पॉइंट है उन्हें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बी और डी उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने ये ट्रायंगल लिया ए ओ बी और इसमें आपने टेन यूज करके एच की वैल्यू निकाली, या फिर आप एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो एक्स की वैल्यू आई। फिर दूसरे ट्रायंगल में सी ओ डी राइट ट्रायंगल में फिर से मैंने टेन यूज किया और यहां से मैंने फिर से एक्स की वैल्यू निकाली, तो दूसरी इक्वेशन आई आपकी ये। इन दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करके एच की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर एच की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ट्रीज है, ट्रीज की हाइट क्या आती है 20 इंटू अंडर रूट 3 मीटर और जो ट्रीज की ओ पॉइंट से डिस्टेंस है वो क्या क्या है 20 मीटर और 60 मीटर। देखिए अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, देखिए एक आपके पास टावर है और एक आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है। जब इसके इस टावर के टॉप से हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं और बिल्डिंग के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ प्रिपरेशन क्या बनते हैं हमारे पास 30 और 60 डिग्री। तो देखिए ये हमारा लेट करते हैं जो ए बी है आपका हमारा टावर है और सी डी क्या है बिल्डिंग। तो जब इस टॉप के टावर से मतलब बी पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है अल्टरनेट एंगल, तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे ही ये वाला एंगल और ये एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है वो कितनी है 50 मीटर्स, तो आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये जो टावर है इसकी हाइट फाइंड करनी है और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैंने लेट किया कि जो ए बी है वो हमारा टावर है, ये आपका टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये आपका, ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो है आपकी 50 मीटर, तो आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखिए अगर ये 50 मीटर है तो ये ए एफ भी तो 50 मीटर होगा आपका, ठीक है। और बी एफ को हम लेट करते हैं एच और इसको लेट करते हैं हम एक्स, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं बी एफ डी, ये बी एफ डी आपका एक राइट ट्रायंगल है और बी एफ अपॉन एफ डी क्या हो जाएगा यहां पे टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी एफ यहां पर परपेंडिकुलर और एफ डी है बेस, तो अब बी एफ हमारा क्या है बी एफ को हम यहां पे लेट करते हैं वाई, तो बी एफ की वैल्यू क्या आपकी वाई और एफ डी की वैल्यू क्या है एक्स, ठीक है। तो यहां से एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल लिया हमने और जिसे लेट किया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही ये वाला राइट ट्रायंगल ले रहे हैं बी ए सी, ठीक है। तो यहां पे ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा 1060, और यहां पे AB की वैल्यू क्या होगी, AB क्या हो जाएगा आपका AF प्लस FB, ठीक है। AF है आपका 50 और FB क्या है आपका Y, तो यहां से Y प्लस 50 अपॉन X इसके इक्वल आएगा रूट थ्री के इक्वल, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से
वाई प्लस 50 अपॉन रूट थ्री। अब x की वैल्यू, पहली वैल्यू ये आई और सेकंड वैल्यू क्या आई आपकी ये, तो दोनों को इक्वेट करेंगे ऐसे और यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू आती है आपकी 25, तो टावर की हाइट क्या आ जाएगी, देखिए y की वैल्यू क्या है आपकी 25, तो इस टावर की हाइट क्या आएगी 50 प्लस 25 75 मीटर। ठीक है, तो टावर की हाइट क्या आई आपकी 75 मीटर। और अब y की वैल्यू आपके पास है और आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, आप कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करिए तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। और x क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, तो x की वैल्यू आती है आपकी 43.5। तो इसका मतलब टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस क्या है 43.25 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से। इसमें आपको क्या गिवन है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिससे पानी बह रहा है, ठीक है, पानी की स्पीड आपको गिवन है, पानी इस स्पीड से उससे फ्लो कर रहा है 0.7 मीटर पर सेकंड, और जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसकी डायमीटर गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, और ये पानी किस चीज में फ्लो कर रहा है, एक टैंक है और उस टैंक की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक, और इसकी आपको रेडियस गिवन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाफ एंड आवर मतलब आधे घंटे में ये पानी उस टैंक में कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको पानी की स्पीड गिवन है और ये गिवन है कि पानी किस जिस पाइप से बाहर निकल रहा है उसकी शेप क्या है, तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो जाओ मतलब कुछ टाइम में उस पाइप से कितना पानी बाहर निकलेगा, तो ये निकल के आएगा स्पीड ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आपका पाइप किस सेम है, सिलेंड्रिकल सेम है, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कल। क्रॉस सेक्शन से क्या मतलब होता है, जैसे ये आपका पाइप है, ठीक है, अगर इसको हम कहीं से भी कट करते हैं ऐसे, तो जो इसका अब कट वाले पार्ट का जो ऊपर का पार्ट होगा वो किस सेम में होगा, सर्कल, तो यही होता है हमारा क्रॉस सेक्शन। तो देखिए तो ये आपका सिलेंड्रिकल पाइप है और पानी की स्पीड आपको क्या गिवन है 0.7 मीटर पर सेकंड, तो पहले हम निकालते हैं कि इस पाइप से एक सेकंड में कितना पानी बाहर निकलेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर क्या है 0.7 मीटर पर सेकंड, और इसे 0.7 मीटर को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर में किस कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पे सिलेंड्रिकल पाइप है और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कल, और इसकी रेडियस डायमीटर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब और आर क्या आपका 1 × 1। तो इस पाइप से एक सेकंड में इतना पानी बाहर निकलता है, तो आधे घंटे में कितना पानी बाहर निकलेगा, तो आधे घंटे में पहले आपको सेकंड निकालनी है, और सेकंड कितने होते हैं आधे घंटे में 30 × 60 सेकंड, तो आधे घंटे में इस पाइप से कितना पानी बाहर निकलेगा, तो इसमें हमें इससे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो देखिए जैसे मैंने ये यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है, ठीक है, पहले तो मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकंड, फिर 30 मिनट्स में कितना पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया तो ये कितना निकल के आता है 126,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बाहर निकलेगा। अब ये पानी किस में जा रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में
जिसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर। और लेट करते हैं कि इस टैंक में जो आधे घंटे बाद पानी भर जाएगा वो भरेगा एच हाइट तक, एच सेंटीमीटर हाइट तक। तो इसका मतलब ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है और सपोज करो पानी यहां तक भरता है, ये आपकी एच है और ये क्या गिवन है 40। तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है आपका 40 और एच आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये वाली वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल होगी, तो आपको इन दोनों को इक्वेट करना है और आप फिर एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। देखिए रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, मैंने लेट किया कि जो वाटर है वो आधे घंटे बाद एच सेंटीमीटर हाइट तक चला जाएगा, तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लिया है एच हाइट तक, तो वो कितनी आती है निकल के ये, और आपको अब इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को इक्वेट करना होगा इस तरह से, तो यहां से आप एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जो टैंक है उसमें कितने हाइट तक पानी जाएगा, 78 सेंटीमीटर तक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपके 36 क्वेश्चन ही आएंगे इस बार। ये आपका है लीनियर इक्वेशन से, आपको एक क्या गिवन है, एक मोटर बोट है जो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाती है, 6 घंटे, और फिर सेम टाइम में मतलब 6 घंटे में वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करती है और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर करती है। तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या है और स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी आपकी, मतलब पानी की स्पीड कितनी है। देखिए सबसे पहले तो मैंने लेट किया कि जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है वो है एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आपकी वाई किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये होता है आपका अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम वाटर क्या है आपका एक्स, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है आपका वाई। ऐसे स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यहां पे प्लस आ जाएगा फिर अपस्ट्रीम के लिए, सॉरी डाउन स्ट्रीम के लिए। ठीक है, अब देखिए स्पीड अपस्ट्रीम ही आई और डाउन स्ट्रीम ही आई, तो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्योंकि डिस्टेंस है 16 और स्पीड क्या है एक्स माइनस वाई, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसी 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये, और टोटल टाइम आपका क्या है 6 आवर, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा 6। तो ये सिंप्लीफाई करना है और पहली इक्वेशन क्या बनती है हमारी, ये। ठीक है सॉरी पहली इक्वेशन बनती है, तो पहली इक्वेशन क्या बनती है हमारी, ये। ऐसे ही सेकंड के लिए फिर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये, और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये, और टोटल टाइम क्या गिवन है फिर से 6। तो अब लेट करते हैं, देखिए ये आपके अब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो लीनियर इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 1 अपॉन x माइनस y है उसे u पुट करते हैं और जो 1 अपॉन x प्लस y है उसे हम v पुट करते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये आ जाएगी इस फॉर्म में। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है और आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व करने के बाद आता है आपका v की वैल्यू ये आती है और u की वैल्यू आती है ये। तो v और u की वैल्यू, v आपका किसके इक्वल है 1 अपॉन x प्लस y के, और u आपका किसके इक्वल है x माइनस y के। तो फिर से आपको दो इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अब फिर से इनको सोल्व करना है तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है आपका x,
और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या थी आपकी y। तो देखिए मेरे ख्याल से आपको यह सब कुछ समझ आया होगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके।